हाय फ्रेंड्स, एक अपनी स्वागत है। तो आज हम बात करें बेस्ट कंप्यूटर फॉर ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या एक पीसी किनना चाहते हैं चिपेस्ट प्राइस में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। किसी भी तरीका के डिजाइन बनाते हो या सोशल मीडिया का डिजाइन बनाते हो या प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बनाते हो, है ना, तो इस तरीका के डिजाइन बनाने के लिए आपको बेस्ट कंप्यूटर चिप प्राइस में जो कि किस तरीका से बिल्ड कर सकते हैं, एक ग्राफिक डिजाइन बनाने लायक पीसी में जो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, ये सब है जो आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसके अलावा जो कि इसमें हम बताएंगे कि आप इसमें जो कि दो प्राइस में जो कि इसमें आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, एक चिप प्राइस में जो कि आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं और एक है जो कि आप इसमें हाई प्राइस में जो कि पीसी बिल्ड कर सकते हैं। दोनों पीसी से जो कि आप अच्छी तरीका से जो कि आप डिजाइनिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीका से जो कि वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, इस तरीका के आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बताते हैं कि यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइन बनाने लायक सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो कि आपको प्रोसेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कम से कम तो आप i5 फोर्थ जनरेशन से लेकर के 9 जनरेशन तक जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अच्छी तरीका से जो कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो कि i5 प्रोसेसर होना चाहिए, उसके अलावा जो कि यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड होना चाहिए, रैम होना चाहिए और एक ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा जो कि आप मॉनिटर लेते हैं तो मॉनिटर भी आप किस तरीका के ले सकते हैं वो भी यहाँ पे जो कि काफ़ी फैक्ट पड़ता है, जो कि अगर आप डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे जो कि कलर कम्युनिकेशन का भी काफ़ी रोल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉनिटर पर भी निर्भर करता है कि आप मॉनिटर किस तरीका से लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनली ढंग से अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कि आपको अच्छी तरीका से जो कि समझ करके आपको यहाँ मॉनिटर को भी आपको यहाँ पर परचेज करना चाहिए, ठीक है। मॉनिटर भी यहाँ पर जो कि काफ़ी बड़ा रोल है जो कि आपको निभाता है कलर कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कलर कम्युनिकेशन का काफी है जो कि ध्यान में रख करके आपको काम करना रहता है, ठीक है, खासकर जो कि प्रिंटिंग लाइन में, है ना। अगर आप सोशल मीडिया के लिए अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं कि थोड़ा सा अगर कलर इधर से इधर भी जाता है तो वहाँ पे RGB कलर रहता है, वहाँ पे काम चल जाता है। मगर यहाँ पे अगर प्रिंटिंग के लिए अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ पे जो कि काफी रोल है जो कि आपको निभाता है मॉनिटर, है ना। ग्राफिक्स कार्ड रहते भर में भी अगर आप मॉनिटर अगर आप गलत अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इतना आपको एक सिस्टम में एक पीसी में जो कि आपको रहना चाहिए, जो एक डिजाइन बनाने लायक एक सिस्टम होता है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसका प्राइसिंग का, तो यहाँ पे जो कि दो प्राइस में जो कि आपको सिस्टम हो जाता है, एक है जो कि आपको लो प्राइस में होता है, एक है जो कि हाई प्राइस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हम लोग दो प्राइस में जो कि आपको लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर का। तो एक पीसी में जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है प्रोसेसर। तो यहाँ पे जो कि आपको प्रोसेसर आपको ध्यान में रख करके आप अपने बजट के हिसाब से जो कि आप यहाँ पर प्रोसेसर भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग लो प्राइस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कि आप i5 फोर्थ जनरेशन से लेकर के i5 सेवन्थ जनरेशन तक आप जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इससे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर जो कि और भी आगे बढ़ सकते हैं, 9th 10th तक भी जा सकते हैं। मगर आप यहाँ पे कम से कम आप i5 फोर्थ जनरेशन कम से कम आप यहाँ पे लें तो इसमें जो कि आपको अच्छी तरीका से जो कि आपको हो जाएगा जो कि 8 से 9 हज़ार के बीच में आपको यहाँ पर जो कि इसका प्रोसेसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि अगर हाई प्राइस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कि आप i7 भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर अगर हम लोग i5 में ही अगर आप 9th जनरेशन लेते हैं तो यहाँ पर जो कि 12 से 13 हज़ार के ऑलमोस्ट में आपको यहाँ पर जो कि प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्राइस में जो कि आपको यहाँ पर प्रोसेसर भी मिलता है, दोनों का परफॉर्मेंस और स्पीड है जो कि दोनों का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेसर के बाद यहाँ पर सेकेंड आ जाता है यहाँ पर मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड है जो कि आप अगर हम लोग लो प्राइस में बात करते हैं तो यहाँ पे जो कि 8 से 8.5 हज़ार के बीच में जो कि आपको यहाँ पर मदरबोर्ड मिल जाएगा, और यहीं पे अगर हम लोग हाई में अगर आते हैं तो यहाँ पे जो कि 12 से 13 हज़ार के बीच में जो कि आपको मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दोनों चीज़ें जो कि आपको एक ही जनरेशन का रहना चाहिए। कभी भी आप सिस्टम लेते हैं तो यहाँ पर सिस्टम जो जनरेशन का आपको प्रोसेसर होता है उसी जनरेशन का आपको यहाँ पर मदरबोर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो कि नेक्स्ट इसमें आता है जो कि रैम। तो रैम है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो कि रैम लगा सकते हैं। मिनिमम कम से कम आप यहाँ पे 4 GB लगाएं, और यहाँ पे जो कि 4 GB से बढ़ करके आप जितना भी आप बढ़ते हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे जो कि रैम भी बढ़ा सकते हैं। तो जो भी रैम लें वहाँ पर जो कि DDR4 का रैम लें, क्योंकि DDR4 है जो कि ये सब जो अभी हम बता रहे हैं इसमें जो कि आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम और सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको DDR4 का, DDR3 का नहीं है, DDR4 का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है, ओके। उसके अलावा जो कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो कि ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है।
रैम के अलावा जो कि ग्राफिक्स कार्ड का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग में हम लोग का यहाँ पर कलर कम्युनिकेशन का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर मोनीटर और यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड, ये चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर ग्राफिक डिजाइनर के सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मिनिमम में लो में कम से कम आपको 2 GB का आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको यूज करना चाहिए और अपना सिस्टम में लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हाई में जाते हैं तो कम से कम आपको 4 GB से 8 GB के बीच में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, मगर आप 4 GB भी आप मैक्सिमम यहाँ पर रख करके आप अपना काम अच्छी तरीका से जो भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पे जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिस्टम में, तो वो है जो कि SSD हार्ड डिस्क, ठीक है। जब भी आप सिस्टम कसाएं या सिस्टम को आप जब भी आप परचेज करते हैं तो यहाँ पर जो कि आप एक चीज़ आप ध्यान दें, कम से कम आपको 120 GB का आपको SSD यूज करना चाहिए, जिससे आपको प्रोग्रामिंग हो, जिसमें आपको विंडो इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 120 GB का हार्ड डिस्क यूज करना चाहिए। अगर हम लोग हाई में जाते हैं तो यहाँ पर जो कि आपको कम से कम आपको 120 GB से लेकर के आप 220 GB तक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते। इस चीज से जो कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस है जो कि काफी इंक्रीज हो जाता है, आप अच्छी तरीका से जो कि ये वर्क करता है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर है जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जो कि आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम लोग लो प्राइस में अगर देखा जाए तो लो प्राइस में है जो कि हम लोग यहाँ पे 20 इंची का मॉनिटर रखे हैं, जो कि आपको 8 से 9 हज़ार के बीच में आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम लोग हाई में जाते हैं तो यहाँ पे जो कि 22 इंची से लेकर के आप 24 इंची के बीच में अगर आप मॉनिटर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो कि 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच में जो कि आपको यहाँ पर मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 22 इंची से 24 इंची के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जो कि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या कम बेसी भी कर सकते हैं, मॉनिटर और यहाँ पे जो और रैम ग्राफिक्स कार्ड, ये 2 चीज़ आप अपने जरूरत के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि अगर हम लोग माउस कीबोर्ड भी लेते हैं तो यहाँ पर जो कि 1000 के आसपास में जो कि आपको यहाँ पर माउस कीबोर्ड हो जाता है। यहाँ पर जो कि अगर आप एक पीसी यूज करते हैं तो यहाँ पर जो कि आपको UPS का अहम भूमिका होता है, जो कि अगर आप कहीं पर भी आप किसी भी तरीके का अगर आप बिजली का कहीं पर भी आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कि आप एक UPS का जरूर यूज करें, जो कि आपको 2000 से 2500 के बीच में आपको UPS आ जाता है, जो कि आपको दोनों सिस्टम में आपको हाई और लो दोनों सिस्टम में जो कि वो काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अगर हम लोग प्राइसिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर लो में आपको 30 से 32 हज़ार के बीच में जो कि आपको एक PC बिल्ड हो जाता है, ओके। और यहाँ पर हम आपको Amazon पर जो भी प्राइस जो बताता उस हिसाब से जो कि हम आपको यहाँ पर जो कि इसका प्राइसिंग है जो कि हम आपको यहाँ पर कर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, या आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग हाई में आते हैं तो यहाँ पर जो कि अगर हम लोग ये सब अगर इंक्लूड करते हैं तो ये सब का प्राइस है जो कि आपको ऑलमोस्ट है जो कि 60 से 65 हज़ार के बीच में जो कि आ जाता है। तो ये है जो कि दोनों प्राइस है जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो कि इसमें कम बेसी भी कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको ये प्राइस हम बताए हैं या जो भी यहाँ पे हम प्राइस आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये प्राइस में आप यहाँ पे सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी तरीका से। और हम आपको लास्ट में भी एक सलाह देते हैं कि अगर आप PC लेते हैं तो आप PC लेने से अच्छा है कि आप PC को बिल्ड करा लें। अगर आपको इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके आसपास आपके मार्केट में जो भी दुकान है या जो भी सेलर है उसके पास जाएं और उसको जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको बोलें कि हाँ हमको ये जरूरत है, उस हिसाब से जो कि आप यहाँ पे जो कि एक सिस्टम या एक PC है जो कि बिल्ड कर सकते हैं या लैपटॉप के मामला में आप यहाँ पे जो कि बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जो कि 2 तरीका के जो कि हम आपको PC के बारे में बताए हैं और 2 प्राइस में जो कि हम आपको यहाँ पे PC के बारे में बताए हैं, ठीक है। ये दोनों प्राइस का जो PC है, ये दोनों प्राइस का PC में जो कि आप अच्छी तरीका से जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं और अच्छी तरीका से जो कि आप यहाँ पर जो कि वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो कि आप यहाँ पे PC बिल्ड कर सकते हैं और PC बिल्ड करने में आपको क्या क्या चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट होता है और जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कब्डियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कब्डियो में, इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।